एक बार आप, एक बार आपकी धर्म पत्नी और लोग जो वेटिंग में है उनको भी तो मौका दीजिए। सही बात आप कह रहे हैं, अगर ये क्राइटेरिया बाराबंकी में बनता है मैं इसको सिरोधार्य कर लूंगा कि जो दो बार रह ले वो न रहे। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने दो बार रह लिए, योगी जी ने दो बार रह लिए, सुरेश खन्ना 9 बार से विधायक है, आप यहाँ पर चले जाइए सतीश महाना 7 बार के विधायक है, कोई 5 बार का विधायक है। हम तो ये चाहते हैं कि जिले से एक में से जाए, ये जिसको 2 बार जो रह चुका है वो तीसरी बार दूसरे मौका दे दे, हम भी दे देंगे मौका। ये कौन सी बात हुई? आपने तो सीधे प्रधानमंत्री, अरे तो 2 बार नहीं रह चुके हैं। इतना बड़ा सियासी कद आपने बनाया लेकिन आज नगर पालिका का टिकट मिलना मुश्किल है, ऐसा क्यों? मुझे या तो गलती बता दीजिए, हमें गलती बता दीजिए, आप मेरा टिकट नहीं मिली गर्दन काट ले जाइए। ये पार्टी को मैं कहां किस स्थान से लेकर के कहां तक लाया हूं, नगर क्षेत्र के अंदर ही नहीं जिले में। हिंदुत्व का झंडा किसने गाड़ा यहां पर, कौन मुखर है? विदेशों तक मुझे जान से मारने की धमकियां मिलती हैं, मिली कि नहीं मिली? आतंकवादी मुझे धमकी देते, मैं आतंकवादियों के निशाने पर हूं, भारतीय जनता पार्टी मुझको टिकट नहीं देगी, ओछी राजनीति चलते। आज कहां जनता कह रही कि रंजीत बहादुर चुनाव हार जाएंगे? जनता की तो जन जन की आवाज से निकल रहा है कि चुनाव जीतेंगे तो रंजीत बहादुर जीतेंगे, वरना कोई जीतेगा ही नहीं यहां पर। और हसन भी आप देख लीजिएगा, बड़े छोटे शहरों की सत्ता पर होगा किसका कब्जा, कौन बनेगा नगर प्रमुख, कौन बनेगा पालिका और पंचायतों का अध्यक्ष? बाराबंकी में आपके नेतृत्व में बीजेपी ने पहली बार नगर पालिका का चुनाव जिला मुख्यालय पर जीता। देखिए मैं पहला, मैंने ट्रायल दिया, मैं पहला आपके पहले तो बीजेपी यहाँ नगर पालिका में कभी नहीं, नहीं कभी नहीं। देखिए मैं 2007 का पहले मैं टिकट मांग रहा था बीजेपी से, लेकिन उन्होंने टिकट ना देकर दे दिया। अब बताने की जरूरत नहीं है कि मैं 183 वोट से हारा जा रहा है, फिर जनता के लिए कहना दिया मैंने, और बेबी से मेरे क्या रिश्ते रहे हैं। 91 की पेपर की कटिंग की आपने फोटो ली है जिसमें मैंने दावा किया था कि अगर राजीव गांधी मुझे इजाजत दे दें तो हम बाराबंकी से बेबी का बर्थडे साफ कर देंगे, लेकिन मुझे पार्टी ने मौका नहीं दिया, उस समय मैं कांग्रेस में था। तो ऐसा नहीं है, देखिए हमारा हमारा कद इतना छोटा नहीं था, उस समय में मैं कोई टूटपुरियस नहीं लड़ रहा था, हमारी लड़ाई हुई मोहसिना की दुई से, हमारी लड़ाई हुई बेनी प्रसाद वर्मा से, हमारी लड़ाई हुई वीर बहादुर सिंह को कमजोर करने के लिए कांग्रेस हमको बढ़ावा दे रही थी, हमारे साथ बलराम सिंह यादव जैसे नेता थे, हमारे साथ में राजेश पायलट जैसे नेता थे। आप हमारा कद बहुत छोटा नहीं था, हम ये सब गवाह है, ये अखबार गवाही दे रहा है, मैं कोई खबर छपवाता नहीं था, मैं यहां से लेके ब्लिट्स, स्पुतनिक, अमृत विचार, अमृत प्रभात और दैनिक जागरण वगैरह के फ्रंट पेज पर हमारी राजनीतिक खबरें छपती थी। किस्मत है, ये किस्मत है हम। लेकिन आज आज कहा जा रहा है कि स्थिति वहां पर है कि बीजेपी आपको टिकट नहीं दे रही है। आज आप इतना बड़ा सियासी कद आपने बनाया लेकिन आज नगर पालिका का टिकट मिलना मुश्किल है, ऐसा क्यों हो गया? देखिए अब ये एक हवा बनाई जा रही है, मैं तो कह रहा हूं कि क्यों नहीं देगी बीजेपी टिकट। मेरा पहला कार्यकाल, मैं पहले ही मैं 2007 में जीत गया होता, मेरे टिकट मिला होता, बीजेपी चौथे नंबर पर थी, मैं दोबारा चुनाव जीता, सर्वविदित है, मैंने यहां का सीमा विस्तार कराया, मेरे खाते की पहली नंबर थी, विकास कार्य जो किए वो तो किए ही किए। इसके अलावा जब दूसरा कार्यकाल मेरा आया जो वर्तमान में चल रहा है, इसमें मैंने आपके जो विकास के उच्चतम शिखर पायदान में है उसको मैंने प्राप्त कर लिया, आपका नागरिक सम्मान, आपका ये धार्मिक आधार पर भी सड़कों के जाल, लाइटें, ये सब हम कराए। दूसरा कार्य मैंने विकास को समर्थित किया और इसमें भी सीमा विस्तार में 7 पंचायतें और मिला ली, मैं विजन को लेकर के चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा तीसरा कार्यकाल,
तीसरा काल का दीपक गुलेरा साहब आप मुझे बताइए, मैंने अभी एक प्रेस की थी, हमारी फाइल तैयार है, मैं इसको नगर निगम की तरफ ले जा रहा हूँ, ये नगर निगम बनेगा और नगर निगम के फायदे नुकसान भी मैंने बताए हैं आपको, इसलिए मैं नगर निगम बनाना चाहता हूँ और बना दूंगा। हमारा एक विजन है, हम अपनी पार्टी को अपमानित नहीं किए बल्कि सम्मान दिलाए। आज कहां जनता कह रही है कि रणजीत बहादुर चुनाव हार जाएंगे, जनता की तो जन जन की आवाज से निकल रहा है कि चुनाव जीतेंगे तो रणजीत बहादुर जीतेंगे, वरना कोई जीतेगा ही नहीं यहाँ पर, और असर भी आप देख लीजिएगा, इसलिए कि उनकी ग्राह्यता ही इतनी नहीं है उम्मीदवारों की, अन्य उम्मीदवारों की ग्राह्यता कहां पर है। जनता चिल्ला रही है रणजीत बहादुर को टिकट दीजिए, आप जनता की आवाज को दबा दोगे, जनता की भावनाओं को गला तोड़ दोगे, जनता निराश होगी यहाँ पर रणजीत बहादुर का टिकट कटने से, जनता निराश। मेरी सेहत तो क्या फर्क पड़ता है, आपने खुद देखा मैं कोई छोटे कद का आदमी नहीं हूँ, मेरा घर छोटा है, या मैं मेरे पास दाल रोटी नहीं है, या मेरे पास अपना काम नहीं है, ये पार्टी को सोचना चाहिए कि पार्टी को मैं कहां किस स्थान से लेकर के कहां तक लाया हूं, नगर क्षेत्र के अंदर ही नहीं जिले में। हिंदुत्व का झंडा किसने गाड़ा यहाँ पर, कौन मुखर है, विदेशों तक मुझे जान से मारने की धमकियां मिलती हैं, मिली कि नहीं मिली, आतंकवादी मुझे धमकी देते, मैं आतंकवादियों के निशाने पर हूं, भारतीय जनता पार्टी मुझको टिकट नहीं देगी, ओछी राजनीति के चलते दो चार लोग यहां पर नहीं आए मैं चुनाव लड़ूं, वो भी आपसी गुटबंदी मेरी नहीं है, नाम नहीं लेना चाहता हूं। कहा जा रहा है कि दोनों सांसद के, जो पूर्व सांसद और वर्तमान सांसद के झगड़े की वजह से आपका नुकसान होगा। देखिए, जब पहले सांसद होती उनके साथ था, हमें नगर पालिका का काम करना, आज के सांसद ये उपेंदी मैं उनके साथ हूं, मैं अपनी नगर पालिका का काम इसके जरिए कराऊंगा। देखिए, गाय तो खूंटे के सहारे नाचती है ना, हम दूध देते हैं लेकिन खूंटा तो जरूरी है, तो आज मैं उपेंद्र के साथ हूं, तुम्हारा उनका झगड़ा होगा, मैं कह जाऊं हमसे क्या लेना देना है। आप अगर गुटबाजी के कारण अगर जनता को शहीद करना चाहती हो या करना चाहते हो, जो भी हो, मैं नहीं जानता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मेरी बहन है, बहन जी है, हम उनकी कभी बुराई में नहीं गए और ना आज हम बुराई कर रहे हैं, और मैं मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा तो मेरा टिकट कटवाएंगे, मेरा टिकट क्यों कटवा देंगी, वो प्रदेश महामंत्री है, उनको इस जिले से लेना देना क्या है। आज मैं अपने प्रदेश सदस्य से मिल करके आया हूं, मैंने कहा कि मतलब जय मुझे नहीं, मेरे कानों के लिए नहीं हो रहा है कि वो अपने भाई का टिकट कटवाएंगी, क्यों कटवाएंगी, बदनाम किया जा रहा होगा उनको, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, नगर की जनता के लिए भी, इसके सुनियोजित विकास के लिए भी, आगे आने वाले भविष्य में इसको नगर निगम बनाने के लिए भी, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए भी और हमारी रक्षा करने के लिए भी, ये टिकट हमको चाहिए ही चाहिए और जनता हमारा साथ देगी। तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि यदि बीजेपी ने मौका नहीं दिया तो बीजेपी लूज कर जाएगी, पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि भाजपा को पहली बार इन्होंने जिताया बाराबंकी में नगर पालिका में, और अगर बीजेपी ने इन्हें मौका नहीं दिया तो बीजेपी नगर पालिका की सीट, चेयरमैन नवाबगंज की सीट लूज कर जाएगी, हार जाएगी। ये जो कॉन्फिडेंस है इसका आधार क्या है, आप कहीं ऐसा तो नहीं कि शहर में, नगर में, जिले में जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनकी सोच या उनकी आकलन की जो क्षमता है उसको आप चैलेंज कर रहे हैं? ना, उनको नहीं कर रहा। देखिए, ये जनता जानती है कि मेरे पास, मैं जब निर्दलीय रहा तो निर्दलीय रहा तो भारतीय जनता पार्टी का टिकट तो नहीं था मेरे पास, हमारे खिलाफ तो भारतीय जनता पार्टी थी, उस समय मैं 12.5 हजार होता है, इसका मतलब इस शहर में मेरी अपनी एक ताकत है, हमारे पास अपने लोग हैं, हमारे पास अपने लोगों का समर्थन है जो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, मेरे साथी है, मेरे समर्थक है, मेरे चाहने वाले, तो जो मेरा चाहने वाला है वो निराश नहीं हो जाएगा, जो व्यक्तिगत मेरा है वो निराश नहीं होगा,
किस गलती से मुझे या तो गलती बता दीजिए, हमें गलती बता दीजिए, आप मेरा टिकट नहीं, मेरी गर्दन काट ले जाइए। अच्छा, जो लोग दशकों से भाजपा का झूला लेके टहल रहे हैं या भाजपा का झंडा लेके टहल रहे हैं, सरकार है केंद्र में भी प्रदेश में भी, बहुत लोग चाहते हैं कि मुझे सत्ता का लाभ मिले, पद मिले, बड़ी कुर्सियां मिले। तो आप दो बार उस कुर्सी पे बैठ चुके हैं, एक बार आप, एक बार आपकी धर्मपत्नी, और लोग जो वेटिंग में हैं उनको भी तो मौका दीजिए। दूसरी बात आप कह रहे हैं, अगर ये क्राइटेरिया बाराबंकी में बनता है, मैं इसको सुधार करूंगा कि जो दो बार रह लिए वो न रहे। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी भी दो बार रह लिए, योगी जी भी दो बार रह लिए, सुरेश खन्ना 9 बार से विधायक है, आप यहाँ पर चले जाइए सतीश महाना 7 बार के विधायक है, कोई 5 बार का विधायक है। हम तो ये चाहते हैं कि जिले से एक मेयर से जाए कि जिसको 2 बार जो रह चुका है वो तीसरी बार दूसरे मौका दे दे, हम भी दे देंगे मौका। ये कौन सी बात हुई? आपने तो सीधे प्रधानमंत्री, अरे तो 2 बार नहीं रह चुके हैं, अरे तो 2 बार नहीं रह चुके हैं। अगर 2 बार सबके लिए, नियम तो सबके लिए बराबर है, ये भारतीय जनता पार्टी है, कार्यकर्ता का नियम, एक प्रधानमंत्री के नियम में अंतर क्यों आएगा? अगर आपका, आपको विश्वास है कि अगर लगातार मान लीजिए 2 बार और आपको मौका दे नवाबगंज, तो आप जीत के ही देंगे, हर हाल में जीतेंगे 100%। पूरी जनता कह रही है, यहाँ पर मेरे खिलाफ कितनी भी बड़ी ताकत लगा दी जाए, मैं पहली 5,500 से, दूसरा 11,000 से, और लाइए लिख करके दे दो। पार्टी का भी आकलन है, जनता का भी आकलन है कि कम से कम 15,000 वोट से मैं चुनाव जीतूंगा। मैं ज्यादा मेहनत नहीं करता हूँ, मैंने पिछली मीटिंग में कहा था मैं 1 दिन का चुनाव लड़ता हूँ, दरवाजे जनता मुझको बुलाती भी नहीं, मैं जनसंपर्क करने के लिए हाथ जोड़ करके दरवाजे नहीं चाहती जनता में लड़ा, हमारी मीटिंगे लग जाती है, बैठकें लग जाती है, इतना पर्याप्त है हमारे लिए, इतना पर्याप्त है। तो इस बार आपको क्या चिंता हो रही है, किस बात का टेंशन है? अपना नुकसान होने का टेंशन है या पार्टी का नुकसान हो जाएगा? पार्टी के लिए आप चिंतित हैं या स्वयं के व्यक्तित्व के, स्वयं की पर्सनैलिटी के लिए चिंतित हैं? हम अपने लिए क्यों चिंतित हैं? आप ये बताइए, पार्टी के लिए चिंता है कि पार्टी के लिए पराजित ना हो? आप ये बताइए, देखिए हमने अभी एक रजिस्टर दिया है, आपके सामने दिया है, हमारे यहाँ हमारे एक सह पटकथा लेखक है विशाल जी, फिल्मों हमारी जीवन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहते हैं। हमारा क्या घटने जा रहा है? अपना बिजनेस, अपना कारोबार, अपनी दाल रोटी, 3 लड़के, तीनों कारोबार में लगे हैं, प्रतिष्ठा में 2 बार में चेयरमैन मैं रह चुका हूँ, पत्नी रह चुकी हूँ, तो क्या मैं चेयरमैन एक्सपायर हो जाऊंगा? क्या हो जाऊंगा? अरे चेयरमैन तो हूं ही, एक सबसे बड़ी पोस्ट हमारे पास हो चुकी है जो परमानेंट है, जीवन पर्यंत चलेगी, एक चेयरमैन, मेरी पत्नी भी एक चेयरमैन, इसको कोई नहीं काट सकता है, एक्सपो ही लिखा जाऊंगा, वोट लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा, चेयरमैन तो टेम्परेरी है, 5 साल रहेगा खत्म हो जाएगा, एक्स थोड़ी खत्म होता है, एक्स तो रहूंगा ही रहूंगा। सपा ने अभी टिकट घोषित नहीं किया है, लेकिन जो दावेदार सपा से आ रहे हैं, सुरेंद्र सिंह वर्मा काफी मजबूती से दावा कर रहे हैं, उनका जो समीकरण है कि यादव वोट, मुस्लिम वोट, कुर्मी वोट, तो क्या लगता है आपको बीजेपी, अगर टिकट वितरण में बीजेपी ने बहुत समझदारी नहीं दिखाई तो लूज करने की सिचुएशंस हैं? सुरेंद्र की दावेदारी कितनी मजबूत है? राकेश वर्मा भी हारे, उसी हारे, कुर्मी थे, यादव मोड़ दिया, क्यों हार गए? यादव तो देगा ही नहीं कुर्मी को, और कुर्मी इनको इसलिए नहीं देगा, कुर्मियों के घरों में मेरी पैट है, बच्चा तो मेरे साथ, इनको कह दे देगा। और मैं अब की बार तो मुसलमानों के लिए दावा कर रहा हूं कि 20% तो मुस्लिम वोट मुझको मिलेगा, कायम बीत जाएंगे। और एक उनका विधायक का भाई जो मांग रहा हो तो मुझसे हार ही चुका, एक और मांग रहे हैं वो भी मुझसे हार चुके हैं, 4 नंबर पे जा चुके, यहाँ पे है कौन हमारे मुकाबले में? हमारा मुकाबला किसका होने जा रहा है, आप बताइए। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस है आपको, और आप एक बार निर्दलीय भी बहुत सम्मानित वोट पाए थे, मात्र 100-150 वोट से हारे थे, तो और इधर 10 साल आप चेयरमैन भी रहे, आपने काम भी किया है, तो आपको नहीं लगता कि निर्दलीय भी आपका समीकरण मजबूत है? भाई जब आप पहले निर्दलीय इतना अच्छा चुनाव लड़े थे और इधर आपने 10 साल सेवा भी की है, तो उस समय के जो वोट शेयर थे और आज वर्तमान में आपकी सेवा कार्य के बाद जिनकी आपने मदद की होगी, आपका तो वोट शेयर काफी बढ़ गया होगा, तो निर्दलीय भी आप जीत सकते हैं? मैं
भारतीय जनता पार्टी में विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं इस पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। जिसको भी टिकट मिलेगा पूरे मनोयोग से मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन पार्टी को भी ये सोचना चाहिए कि आप छोटे बड़े में कुछ तो अंतर कर लें, कुछ तो अंतर कर लें। मैं पार्टी से बगावत नहीं करने जा रहा हूँ, निर्दलीय की तो मैं सपने में नहीं सोच सकता हूँ। मुझे स्वप्न में भी ये नहीं आता कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा, और जरूरत भी क्या है मुझको निर्दलीय लड़ने की, आप बता दीजिए। मैंने पहले ही कह दिया कि हमारे लिए पद बहुत छोटी चीज है, हमें इस पद की कोई जरूरत नहीं, हमारे पद की नगर की जनता को जरूरत है। तो रंजीत बहादुर श्रीवास्तव को टेंशन इस बात की है, दर्द इस बात का है कि यदि इन्हें टिकट नहीं मिलता है तो जो इन्होंने 10 साल मेहनत की है वो मेहनत खराब हो जाएगी, जो बीजेपी का खाता बाराबंकी नगर पालिका में उन्होंने खोला था वो खाता बंद होगा, बीजेपी यहाँ चुनाव हार जाएगी, दूसरे दल जीत जाएंगे, समाजवादी पार्टी जीत सकती है, जो भी अन्य कैंडिडेट होगा वो जीत सकता है, ऐसा आपका पॉलिटिकल एनालिसिस है, आकलन है। और बीजेपी के लिए स्पष्ट संदेश है कि बीजेपी इन्हें अंडर एस्टिमेट न करे, इनकी क्षमताओं को, इनके जनाधार को अनदेखा न करे। कुल मिलाकर चुनाव बहुत ही रोचक है, लखनऊ का नजदीकी शहर बाराबंकी है, ऐसे में पूरे उत्तर प्रदेश में मैसेज जाता है, बाराबंकी में जो भी कुछ होता है वो पूरे प्रदेश के लिए एक खबर होती है। रंजीत बहादुर श्रीवास्तव का एक बड़ा इतिहास रहा है, राजनीतिक इतिहास रहा है, तमाम कारणों से चर्चा में रहे हैं, देश प्रदेश के बड़े नेताओं से ताल्लुकात भी रहे हैं, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बीजेपी इनके पॉलिटिकल कर को किस रूप में देखती है, क्या डिसीजन लेती है, और बाराबंकी में नगर पालिका का चुनाव कैसी रंगत लेके सामने आता है। द इंडियन ओपिनियन के लिए बाराबंकी से दीपक मिश्रा।